हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया टेक्स बिग हाँ एक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट कैनेडा टू क्रैश टू खालिस्तान क्रश हाँ खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मोमेंट। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी देखी है, गौरव भैया की वीडियो है और मजे की काफ़ी होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई। अब इन्फॉर्मेशन किस तरह की है और वो तो वीडियो में देख के ही पता चलेगा। तो लेट्स गो, वीडियो को देखते हैं और खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट क्या एक्शंस ले रहे हैं और कनाडा के अगेंस्ट क्या एक्शन ले रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठाकुर और G20 न्यू दिल्ली के इवेंट में पीएम मोदी ने सभी लीडर्स को प्रॉपरली वेलकम किया एक्सेप्ट वन पर्सन। ये देखो, मोदी जी वेलकमिंग ऋषि सुनक, जॉर्जिया मेलोनी एंड कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेव। मोदी जी मानो लिटरली कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि हाँ भाई अब चलो साइड हटो। और बाय द वे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कनाडा का खुद का न्यूज़पेपर सन टोरंटो ने इस न्यूज को ऐसे हेडलाइन के साथ कवर किया, दिस वे आउट। जस्ट इमेजिन, सो ह्यूमिलिएटिंग फॉर कनाडा एंड मोर स्पेसिफिकली जस्टिन ट्रूडेव। लेकिन ये इकलौता ऐसा इंस्टेंस नहीं है, G20 में ऐसे कई सारे इवेंट्स आपको दिखेंगे जैसे जहां पर बाकी देशों के पीएम्स को रिसीव करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा गया, वहीं पर ट्रूडेव को किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने रिसीव नहीं किया, बस सिर्फ एक जूनियर मिनिस्टर वहां पर गए थे उन्हें रिसीव करने। इसी तरह जहां पर सारे लीडर्स को न्यू दिल्ली पहुंचते ही एक वेलकम नोट दिया गया था, जस्टिन ट्रूडेव को ऐसे किसी भी नोट से ग्रीट नहीं किया गया। और इंडिया के इस ट्रीटमेंट के बावजूद ग्लोबल न्यूज़पेपर इंडिया को क्रिटिसाइज करने के बदले जस्टिन ट्रूडेव के ही फेलियर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रूडेव को उसके कुछ बहुत ही घिनौने एक्शंस की वजह से इंडिया में ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट मिली हो, बल्कि 2018 में भी उनके इंडिया विजिट के दौरान उन्हें सेम ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था इन इंडिया। 2018 में तो इजरायली पीएम और यूएई क्राउन प्रिंस भी इंडिया विजिट पर आए थे और उन्हें रिसीव करने के लिए खुद पीएम मोदी प्रेजेंट थे। लेकिन वहीं पर जस्टिन ट्रूडेव इंडिया विजिट के लिए अपनी फैमिली के साथ जब आए, तब उन्हें रिसीव करने ना पीएम, ना होम मिनिस्टर और ना ही फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद थे, बल्कि उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया। इसके बाद भी जब जस्टिन ट्रूडेव अपनी फैमिली के साथ ताजमहल विजिट करने गए, तभी भी उन्हें रिसीव करने के लिए ना यूपी के सीएम गए और ना ही उनकी गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर, बल्कि आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिसीव किया। और वहीं पर बस एक महीने पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू आए थे, तब यूपी सीएम योगी जी ने पर्सनली उन्हें ताजमहल दिखाया था। अब चलो, ये तो फिर भी रिसीव करने की बात हुई, लेकिन डू यू नो उनके साथ मीटिंग्स करने के लिए भी काफी सारे मिनिस्टर्स ने डिनाई कर दिया था। सो हुआ कुछ यू, टुडे वो अपनी मीट के दौरान तब के पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिलने वाले थे, लेकिन क्योंकि टुडे वो अपने फॉरेन मिनिस्टर और खालिस्तानी सपोर्टर हरजीत सज्जन के साथ वहां पर आए थे, तो पंजाब सीएम ने हरजीत सज्जन को एक खालिस्तानी सिंपथाइजर कहकर टुडे से मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती। इसे देखकर टुडे ने स्पेशली अमरिंदर सिंह जी को लेटर लिखकर उनसे फिर मिलने की रिक्वेस्ट जाहिर की, जिसके बाद अमरिंदर सिंह जी ने हाँ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ट्रूडेव को मिलते ही एक लिस्ट पकड़ा दिया जिसमें 9 खालिस्तानी टेररिस्ट के नाम मेंशन थे जो कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे, और उन्होंने ट्रूडेव को इन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। एंड इंटरेस्टिंगली, इन्हीं 9 नामों में से एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी था। अब अगर आपको पता नहीं ये शख्स कौन है, तो इस नाम को बहुत ही ध्यान से याद रखिए, क्योंकि आगे जाकर कहानी में ये बड़ा किरदार बनने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कमिंग बैक, अगर हम टुडेव के 2018 के विजिट को देखें, तो उनके 7 दिन के विजिट में सिर्फ लास्ट डे पर पीएम मोदी उनसे मिलने गए, और तो और बाकी के 7 दिनों के दौरान भी पहले 3 से 4 दिनों में कोई भी सीनियर मिनिस्टर मिलने तक नहीं गया। एंड माइंड यू, ये पूरी दुनिया देख रही थी, दिस वॉज अ ग्लोबल ह्यूमिलिएशन फॉर जस्टिन ट्रूडेव। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे पब्लिश किया विद द हेडलाइंस, टुडेव्स विजिट इज अ टोटल डिजास्टर। अल जजीरा ने लिखा, डिड मोदी गवर्नमेंट स्नब कैनेडियन पीएम, और वहीं पर डेली वायर न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया, जस्टिन ट्रूडेव मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। अब फ्रेंड्स, ये सारे इंस्टेंसेस से सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये इतने भोले भाले दिखने वाले जस्टिन ट्रूडेव के अगेंस्ट ऐसे ह्यूमिलिएटिंग एक्शंस क्यों लिए जा रहे हैं। सो वेल फ्रेंड्स, एकदम सिंपल, फेस से वाकई बहुत इनोसेंट लगता है, और मतलब बेसिकली देखो, इंडिया तो इसलिए अगेंस्ट है ना, क्योंकि वो खालिस्तान को और सिखों को वो वहां पर बहुत ज्यादा दूसरा दिया हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर किसी के लिए प्रॉब्लम है या कुछ है, तो उसने उनको रहने के लिए वहां पर अलाउ किया हुआ है, तो एक हिसाब से उसको अगर ह्यूमैनिटी की बेस्ड पे देखा जाए तो वो बंदा ठीक है।
लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं ना तो जस्टिन टुडे ट्रूली डिजर्व्स दिस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट फॉर हिज सिंपैथेटिक ऑब्सेशन विद खालिस्तान। एक्चुअली कई बार ऐसे खालसा डे परेड्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया है जहां पर खालिस्तान के फ्लैग्स होस्ट होते हैं और भिंद्रन वाले जैसे मिलिटेंट्स को ग्लोरिफाई किया जाता है। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कनाडा को खालिस्तान मामले से एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे ये खालिस्तान इन कनाडा का मुद्दा टुडे फैमिली द्वारा उछाला हुआ वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही मुद्दा है और कुछ नहीं। सो शुरू करते हैं साल 2017 से, जब कनाडा के वैनकूवर शहर में एक एनुअल नगर कीर्तन था जहां पर जस्टिन टुडे भी शामिल थे। इस कीर्तन में इन फेमस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जर्नैल सिंह भिंद्रनवाला के पोस्टर्स लगे थे, खालिस्तान के फ्लैग्स होस्ट किए गए थे और कीर्तन में तब के पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुलेआम गालियां तक दी जा रही थी। उसी साल 2017 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन नाम के सिख ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफाई करके बैन किया गया है, उनके ऑर्गेनाइज्ड खालसा डे परेड्स पर भी जस्टिन टुडे शामिल थे। इनफैक्ट इस फंक्शन में तो फॉर खालिस्तानी कॉज के अचीवर्स को अवार्ड्स तक दिए जा रहे थे और ये सब भी जस्टिन टुडे के प्रेजेंस में हो रहा था। लेकिन इस सब के बाद भी हद तो 2018 में पार हुई जब अपने इंडिया विजिट के दौरान टुडे ने खालिस्तानी कन्विक्टेड टेररिस्ट जसपाल अटवाल को डिनर के लिए इनवाइट किया। अब अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये बता दूं कि जसपाल अटवाल वही इंसान है जिसने 1991 में अकाली दल पार्टी के लीडर मलकियात सिंह सिद्धू, जो उस समय पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे, उनका मर्डर किया था। सो ये था जस्टिन टुडे का अंधाधुंध सपोर्ट टू खालिस्तानी। लेकिन रुको, अभी इनके पिताजी का पिक्चर में आना बाकी है। सो 1982 में जब तब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जस्टिन के फादर पियर ट्रूडेव, जो तब के कैनेडियन पीएम थे, उनसे एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर परमार की एक्सट्रेडिशन की बात की, तब उस वक्त भी पियर ट्रूडेव ने साफ साफ इनकार कर दिया था एक्सट्रेडिशन के लिए। और उस वक्त तलविंदर को इंडिया क्यों बुलाया जा रहा था? वेल, बिकॉज तलविंदर ने इंडिया के दो पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पियर क्लियरली तलविंदर को शील्ड कर रहे थे और उसे एक्सट्राडाइट होने से बचा रहे थे। अब हालांकि टेररिस्ट का साथ देने का प्राइस कनाडा ने खुद पे किया, और वो ऐसे कि एक्सट्राडिक्ट होने से बचने के 3 साल बाद 1985 में इसी तलविंदर सिंह परमार ने वैनकूवर से निकलने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, और इस फ्लाइट में मेजरली तो कैनेडियन सिटीजंस ही थे। अब देखा जाए तो इस टेरर अटैक के दो बड़े मास्टरमाइंड्स थे, तलविंदर सिंह परमार खुद और इंद्रजीत सिंह रियात। लेकिन तलविंदर परमार जब पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में इलीगली घुस रहा था, तब इंडियन ऑफिशियल्स ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सो ऑब्वियसली इंद्रजीत सिंह रियात अकेला ही 1985 मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, पाकिस्तान का नाम नहीं आया, तो आ गया के एयरप्लेन बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज था, और कनाडा का प्राइम अक्यूज भी होना चाहिए था, राइट? क्योंकि जैसे मैंने बताया उस ब्लास्ट में मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजंस थे। मगर यू विल नॉट बिलीव, पियर के बेटे जस्टिन टुडे ने उसे भी जेल से छुड़वा दिया। वेल, यहाँ पर आप टाइमलाइन को ही देखो। जस्टिन टुडे नवंबर 2015 में पीएम बने और फरवरी 2016 में इंद्रजीत सिंह रियात को उसकी सजा से माफ करके जेल से छोड़ दिया जाता। सो क्लियरली टुडे फैमिली इज सपोर्टिंग खालिस्तानीज एंड इज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद खालिस्तानीज। सो अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि व्हाई आर दे सो ऑब्सेस्ड विद खालिस्तानीज। तो वेल, अगर आप पियर टुडे या जस्टिन टुडे के टेन्योर को देखोगे तो जब जब टुडेव्स पावर में होते हैं ना, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी टेंस हो जाते हैं, और वहीं रेस्ट ऑफ द टाइम इंडिया कनाडा के रिलेशंस काफी फ्लरिश होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजादी के तुरंत बाद जब इंडिया का डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, कनाडा ने फूड, फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जो टोटल 3.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स के वर्थ का था। और वैसे ही 1995 में जब पियर टुडे पावर में नहीं थे, तब कनाडा ने फोकस इंडिया नाम के प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंडर तब के पीएम जीन श्रेटियन ने 1996 में ह्यूज डेलीगेशन के साथ इंडिया को विजिट भी किया था। उस डेलीगेशन में 300 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स थे, और इसी विजिट के दौरान इंडिया और कनाडा ने 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स के डील्स भी साइन किए। उसी तरह जस्टिन टुडे के पीएम बनने के जस्ट पहले 2015 में इंडिया और कनाडा ने 3000 मेट्रिक टन के यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी एक स्ट्रेटेजिक डील की थी। बट अब देखो, टुडे के पीएम बनते ही रिलेशंस वापस से टेंस हो गए। अब ऐसे में आपको कई सारे इंस्टेंसेस, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, लोग स्कॉलरशिप वगैरह से रिलेटेड भी जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान से तो इतने जाते ही नहीं है कनाडा में, इंडिया से बहुत लोग जाते हैं जो कि वहाँ पर जॉब्स वगैरह के लिए डायरेक्टली इनको वीज़ाज मिलते हैं।
दे दूंगा जिसमें कनाडा और इंडिया के बीच के रिलेशंस काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं, व्हिच लीड्स अस बैक अगेन टू दैट क्वेश्चन कि आखिर ट्रूडेव को इतना भी क्या पर्सनल गेन मिल रहा है कि वो इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ क्रॉस पे चले जाए। वेल फ्रेंड्स, फॉर दिस वी विल हैव टू डाइव डीप into Canadian politics और बहुत ही interesting है, so बने रहो। So basically बात कुछ ऐसी है ना, Canada में government बनाने के लिए किसी भी party को 170 seats की majority लगती है, लेकिन Justin Trudeau के पिछले दो terms को अगर देखें तो मेजोरिटी में पहुंचने के लिए वो दोनों बार थोड़े सीट से बच गए, और इसीलिए अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडेव ने एनडीपी पार्टी, जो मेजरली खालिस्तानी द्वारा हेडेड एक पार्टी है, उनके 20 सीट्स की हेल्प ली और कनाडा में दो बार अपनी गवर्नमेंट बनाई। इनफैक्ट एनडीपी पार्टी के हेड जगमीत सिंह को तो फेमसली किंग मेकर भी कहा जाता है, और वो खुद एक बहुत बड़े प्रो खालिस्तानी है, तो उनके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए जस्टिन ट्रूडेव को ऑब्वियसली उनके हाँ में हाँ मिला पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात आप समझते हो, मैं समझता हूँ, तो क्या हमारा देश नहीं समझता? वेल, बहुत अच्छे से समझता है, और इसीलिए इंडिया आज ईंट का जवाब बखूबी पत्थर से दे रहा है। जून 2023 को इंडिया ने इतिहास में पहली बार इजराइल और यूएस जैसे पावरफुल कंट्रीज के जैसे एक हिस्टोरिक कदम उठाया। ये देश अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। अगर आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की फेमस फिल्म म्यूनिच अगर देखी होगी, तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे इजराइल ने पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर असैसिनेट किया था और अपना बदला निकाला था, और इस बार इंडिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ कदम अपने दुश्मनों के खिलाफ उठाया, जो कि पहले कभी नहीं किया था। इनफैक्ट ये कदम अभी भी उठाया जा रहा है व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी सपोर्टर को वैंकूवर कनाडा में गोली मार दी गई थी। अब याद हो तो मैंने पहले कहा था ये नाम याद रखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। दरअसल 1997 से हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। इन एक्टिविटीज के साथ वो एक रिलीजियस फिगर भी था और एक लोकल गुरुद्वारे की कमेटी में भी शामिल था। एक बार सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब की प्रिंटिंग को लेकर निज्जर का झगड़ा दूसरे कमेटी मेंबर के साथ हो गया। इनका नाम था रिपु दमन सिंह मलिक, और इस झगड़े के कुछ ही दिनों बाद जून 2022 में मलिक की हत्या हो गई। अब नेचुरली इस हत्या का दोषी निज्जर को माना जाने लगा, क्योंकि हाल ही में मलिक का झगड़ा निज्जर के साथ हुआ था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ना मिलने की वजह से निज्जर निर्दोष साबित हुआ, और इसके बाद से ही मलिक ग्रुप निज्जर से बदला लेने की कोशिशें करने लग गए, और फिर जाकर 19 जून 2023 को निज्जर को गुरुद्वारे के पार्किंग में अकेले देखते ही उसकी गोली मारकर हत्या हो गई। अब इससे पहले कि आप झट से इसे गैंग वॉर कह के कंक्लूड कर दो, आपको एक और एक कोइंसिडेंस बताता हूं, जहां फिर से इंडिया का ही एक दुश्मन कोर्ट गैंग वॉर में मारा गया। 21 सितंबर 2023 को एक और एक खालिस्तानी सपोर्टर सुखदूल सिंह, जिसे सुखा के नाम से जाना जाता था, उसे कनाडा में गोली मार दी गई। सुखा वो खालिस्तानी था जिसे एनआईए ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था। वो बेसिकली पंजाब के मोगा एरिया का रहने वाला था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मेंबर था। सुखा 2017 से ही कनाडा में रह रहा था, और जून में निज्जर के मर्डर के बाद ही वो निज्जर की जगह लेने की कोशिश करने लग गया। अब अगर आप इन दोनों के मर्डर्स के पैटर्न को देखोगे तो इनमें कई सिमिलैरिटीज नजर आएगी, जैसे कि दोनों ही खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे, और दोनों की मर्डर्स के पीछे का जिम्मेदार मीडिया गैंग वॉर को बता रही है, और किसी को भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किसने उनको मारा। मर्डरर्स की रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, जैसे कि मानो अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के बाद वो हवा में गायब हो गए। इनफैक्ट इवन निज्जर ने अपने मौत के कुछ ही टाइम पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने दुश्मनों के हिट लिस्ट में है, और हम सभी को ये पता है कि रिसेंटली ही कैनेडियन पीएम ने भी अपने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि निज्जर के मर्डर के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. मतलब सीधा रॉ पे, रॉ जो इंडिया की है उसके ऊपर इल्जाम। सो बेसिकली इस बात को कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि इंडिया के स्ट्रेटेजी से बेसिकली सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। मतलब दुश्मनों में एक डर का माहौल भी फैल जाता है, लेकिन पीछे कोई सबूत भी नहीं छूटता, जो कि इनडायरेक्टली दुश्मनों को और ज्यादा डिटर करता है। अब क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ किया, इसका कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए इंडिया ओपनली
कनाडा को डिप्लोमेटिक डिफीट दे रहा है, कनाडा के इन क्लेम्स को कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहकर रफू चक्कर कर दे रहा है। दैट दीस एलिगेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आर प्राइमरीली पॉलिटिकली ड्रिवन। जस्टिन ट्रूडेओ ने ओपनली मीडिया के सामने इंडिया को किलिंग्स के लिए एक्यूज किया था, और उसी दिन यानी 10 सितंबर को पीएम मोदी ने ट्रूडेओ को मीटिंग लेकर हार्श शब्दों में फटकार लगाया। ठीक इसके चार दिनों बाद इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस इशू को लेकर कनाडा से एफटीए ही रोक दिया। मेक श्योर दैट जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वी आर ऑल ऑन द सेम पेज and therefore the pause on the Canada discussions. 19 September ko India ne Canadian diplomat Olivier Sylvester ko 5 dino mein India chhodo aise kade shabd kehkar desh se bahar nikala, aur 20th September ko Indian External Ministry ne seedhe ek advisory hi jari kar di jisme India ne apne citizens ko Canada jana avoid kare aisa advice kiya aur wahan ke Indian students ko safe rehne ke liye itla kiya. Ye bilkul waisa hi hai jaise US Pakistan jaise terrorism affected countries ke mamle mein apne को कॉशन इशू करता है, और आखिर में इंडिया के एनआईए ने तो एक बड़ी सी खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट जारी कर दी जो कनाडा में बेस्ड है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इंडिया अपनी इस मास्टर स्ट्रेटजी से कनाडा को आइसोलेट कर रहा है। हमने कनाडा के ग्लोबल अलायंसेस को भी कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। आज के तारीख में फ्रेंड्स, कनाडा पर यह सिचुएशन आ चुकी है कि उसे अपने मदद के लिए दूसरे बड़े कंट्री से हेल्प मांगनी पड़ रही है, जिसके लिए टुडे ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन और यूके पीएम ऋषि सुनाक को कॉल कर इस मैटर पर अपडेट किया है। ही स्पोकन टू जो बाइडेन, ऋषि सुनाक एज वेल एज इमैनुअल मैक्रॉन। लेकिन ट्रूडेओ का ये स्टेप कॉल फॉर हेल्प ज्यादा लग रहा है, जिसमें ट्रूडेओ फ्रेंड के अगेंस्ट फ्रेंड की हेल्प मांग रहा है, क्योंकि हम सभी को यह पता है इन तीनों ही देशों के साथ इंडिया के कितने अच्छे और फ्लरिशिंग रिलेशंस हैं। इवन हाल ही में दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान ये फ्रेंडशिप और भी ज्यादा क्लियरली विजिबल हुई। अगर इंडिया की बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो इंडिया ने तो पब्लिकली एक बोल्ड स्टेटमेंट भी पास कर दिया है कि कनाडा टेररिस्ट को एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, इससे यह भी पॉसिबिलिटी आती है कि पाकिस्तान की तरह यही टेररिस्ट उल्टा कैनेडियंस पर ही ना वार करने बैठ जाए। वो स्नेक्स वाली कहावत वापस से याद दिलाना चाहूंगा, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। वेल, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस बारे में, कॉमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, मेरा जाती ओपिनियन ये है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर खालिस्तान से रिलेटेड भी कुछ बात हुई होगी। खालिस्तान से रिलेटेड बस टोटली वो नेगेटिव ही पॉइंट रखे। लेकिन अगर बेसिकली हम लोग खालिस्तान मूवमेंट को भी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी भी बातें ठीक हैं और कहीं ना कहीं उनकी बातें भी गलत हैं। मैं ये नहीं कहता कि खालिस्तान को अलग कर दिया जाए, कंट्री बना दिया जाए, बट उनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके तो हाँ, मतलब ये चीज़ ख़त्म की जाए। और बाकी रही बात कनाडा के साथ, ये जितने भी ताल्लुकात ख़राब करने हैं या जो इंडिया जितना मर्जी फास्ट ग्रोइंग हो, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज या जो ये अमेरिकन कंट्रीज में आते हैं ना, अमेरिका और कनाडा बिल्कुल साथ जुड़े हुए कंट्रीज हैं। और अगर देखा जाए तो अमेरिका को अगर चूज करना पड़े ना, मुझे जहां तक लगता है कि अमेरिका को अगर इन दोनों कंट्रीज में से किसी के साथ खड़ा होना पड़े कि इंडिया के साथ खड़ा होगा या तो वो कनाडा के साथ खड़ा होगा, तो वो कनाडा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो खड़ा होगा। बट उसको फायदा अगर देखा जाए तो फायदा किस में ज्यादा है, तो इंडिया के साथ उसको खड़े होने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाली कंट्री है और अगर उसको पैसा ज्यादा कमाना है, ज्यादा उसने अपना वेपन बेचना है, तो वो इंडिया को ही बेच सकता है। तो खैर, ये एक बहुत मतलब लंबी डिबेट होती है कि इसके अंदर, लेकिन जो अगर देखा जाए कि इंडिया ने मरवाए या नहीं ये दोनों बंदे, तो ये भी एक मिस्ट्री में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास सबूत तो है कोई भी नहीं। अगर सबूत होता या कुछ भी इस तरह का होता तो ये लोग किसी एविडेंस के ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी बिना एविडेंस के ब्लेम किया है, इस वजह से ब्लेम किया क्योंकि ये खालिस्तान को डिफेंड कर रहे थे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे, तो उस चीज की बेस पे भी ना ये वाली प्रॉब्लम आई है। बट आगे चल के देखो क्या होता है, कोई एविडेंस सामने आते हैं या नहीं, अगर आते हैं तो उन पे फिर क्या एक्शन लिया जाता है। तो और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पे, ये भी जरूर बताइएगा। तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।